नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। हाउ यू एवरीवन। गुड सर। सो दोस्त हु नीड टू स्पीक यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, जब तक आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं देगी। नमस्ते गुरुजी। नाम हाँ जी नमस्ते भास्कर जी। हाँ सर। जी सुधा जी नमस्ते। माया जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। उमेश जी नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया और अच्छा हूँ। एक सवाल पूछना था। हाँ जी मेरे बोलिए। चाचा की डेथ हो गई। ठीक है। चाचा की कल डेथ हो गई तो मैं लक्ष्मी साधना कंटिन्यू कर सकता हूँ क्या? नहीं, लक्ष्मी साधना को कंटिन्यू मत करो, आप ऐसे काली साधना कर सकते हो। काली के चलो लिए यही कोई भी उस प्रकार की वो चीज नहीं होती। आपकी जो सूतक मतलब है ना हमें। नहीं, सूतक भी है, काली साधना कर सकते हैं। काली के अलावा और साधना नहीं हो सकते सूतक में। मगर आपने ही चलो चाचा है तो 13 डेज तक साधना ना करना ये जरूरी सही है सही। क्योंकि घर में दिए भी नहीं जला सकते ना। है। हाँ, तो इसलिए 13 दिन तक अगर अपने घर के अंदर हैं तो 13 दिन तक नहीं करना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यस। यू। नमस्ते गुरु जी। हाँ रवि जी कैसे बढ़िया हैं? यस। हूँ सर, बढ़िया हूँ, मजे में सर, टॉप हाँ ऑफ द वर्ल्ड एज दैट यूजुअल। इज वंडरफुल सर। यस। अरे हाँ, तो आप लोगों की साधना कैसे चल रही है? फाइनली क्या आज चल मैं थोड़ा सा ऐसा रही हम आज बात करने के लिए आए हैं सारे लोग ना, क्योंकि आज तो सर? दिस इज हाँ इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो आज ज्यादा वो भी नहीं होगी कि आज रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। आप यू कैन शेयर टुडे फाइनली। यस गुड इवनिंग। आई मीन दोज हु हैव टू टॉक दे नीड टू अनम्यूट देयर सेल्फ। ओके, तो वहां पे आप जो हो जो नमस्कार। मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अपने आप को अनम्यूट करने का आई मीन बटन होगा, जब तक आप उसको अनम्यूट नहीं करेंगे आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। दीपक जी, ये आपका ये फोटो ठीक है काली साधना के लिए? हाँ फोटो कोई भी हो, माता रानी की फोटो है। नमस्ते। जी हो जाएगा, क्यों अच्छा नहीं जी। होगी। हाँ जी। और दूसरा भोजपत्र का साइज ये भी ठीक है बिल्कुल? वो चलेगा। यस ठीक है, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक नमस्कार। है। हाँ जी, हाँ जी सर। नमस्कार ये गुरु जी। आपका नाम क्या है? सिद्ध बुद्ध। मैं एक्चुअली मेरा नाम मैं आपको बाद में बोल दूंगा। ये सिर्फ सबके लिए है। जैसे आपका राइट। सिद्धिपुरी है वैसे मेरा सिद्धा ओके। नहीं, सिद्धपुरी मेरे गुरु का दिया हुआ नाम है, तो अगर मैं ना अपने जो पासपोर्ट में भी चेंज कर सकता तो मैं ना अपना अपने नाम को सिद्धपुरी ही रखता। है। अच्छा, एक्चुअली मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता सबके राइट सामने। सर। मैं ओके ठीक है सर। शोमी शोमी नमस्ते जी को गुरु पता जी। है। हाँ जी नमस्ते। और बोले तो एक क्वेश्चन है अभी जस्ट रिसेंटली, हाँ जैसे जी। आपने बोला ना मैं 13 डेज तक नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है तो वो तो डिवाइन चीज कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते? क्यों अभी देखो सर यहाँ पे ये रूल है कॉमनली फॉर हिंदूज, मतलब ये हम लोग के घर में भी है, बट ये मुझसे ये मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि ये तो डिवाइन को हम लोग बुला रहे हैं ना, इसलिए ना सर मैंने तो वही उसका चीज सोल को बोला। तो और भी प्लीज। नहीं, आप अगर काली साधना कर रहे हो, काली साधना के लिए सूतक वगैरह कुछ भी नहीं लगता। लक्ष्मी साधना है, विष्णु साधना है, उनके लिए सूतक लग जाती है। ओके okay? क्यों वही बोलो तो दे आर ऑल्सो डिवाइन ना। नहीं, दे आर ऑल्सो डिवाइन, मगर ये है कि कहीं ना कहीं पे उनका जन्म भी तो हुआ था ना सर। दे हैड कम हाँ एज ए ह्यूमन एज ए बिफोर यू। पहली चीज तो यही है सर, रियलिटी यही है। चाहे बुद्ध हो, यस, चाहे राम हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे शिवा भी क्यों ना हो, ओके, वो आपसे पहले। ओके, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ओके, तो दैट आपके अपने रिलेटिव्स वगैरह आई मीन मर रहे हैं। ओके, आपके फैमिली वगैरह से जो और जो इमोशंस ना सर, कहीं ना कहीं पे आई मीन सैड इमोशंस के साथ आप कहीं ना कहीं पे उससे डिवाइन से ज्यादा जुड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ उस टाइम पे वो चीज ऐसा आपके अंदर ट्रिगर हो सकती है सर। ओके ठीक है, सैड करूं जब भी सर। सैड चीज है तो उस टाइम पे ना अगर आपके अंदर ट्रिगर हो गई ना सर, फिर डिवाइन को आपने सैड चीज से जोड़ देंगे। फिर ओके आपका कॉन्शियस माइंड को पता है, मगर कॉन्शियस माइंड से ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड इज 50,000 times मोर पावरफुल। राइट। राइट। ओके। नमस्ते हाँ गुरु जी। जी नमस्ते ओके थैंक सर क्या मैं इसमें यू। मानसिक साधना कर सकती हूँ? यस, क्यों नहीं कर सकती? मानसिक कर सकते हैं। मानसिक पूजा ही तो सर्वश्रेष्ठ पूजा होता है। हेलो धन्यवाद सर। गुरु जी।
हाँ जी सर, दिस इज माई स्टैचू. आपका वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं कैसे देखूं बताऊं? ये मेरा स्टैचू है. नहीं दिखा ना मुझे, नहीं दिखा. वीडियो में तो दिखाओ ना पहले. यस दिस वन. यस यस. सो दैट इज ओके. विजय जी ना, विजय विजय हैदराबाद से. हैदराबाद राइट जी. एंड ये मेरा भोजपत्र, देखिए कितना मिला. अब इसको कैसे काटू, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा. यार आपने तो बड़े वाले साइज में रख लिया. अब उसमें थोड़ा ठीक है, आप उसको अच्छे तो सबको बांट दो आप. हाँ जरूर जरूर, आई विल श्योरली. यहाँ तो छोटा छोटा सा मिल रहा है हथेली जितना. या ये असम से आया है और मुझे ये मिला. मैं तो पूछ रहा था, जैसे ये काली का स्टेचू है जो आपने बोला है राइट, और ये इसका हमें बाद में अपने पास ही रखना है, फिर उसी हिसाब से हम परचेज कर ले. सौरभ जी आपको किस प्रकार की स्टेचू, अभी देखो यहाँ पे ना साधना में हमें कोई चीज से अटैच भी नहीं होना होता है. ओके साधना का मतलब ये आपने एक बार किए कर लिया, दूसरे लोग जब आप बोलेंगे फिनिश करेंगे उसके बाद प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, सो दैट दूसरे की आवाज भी सुनाई दे. राइट ओके, एटलीस्ट गुजारिश करता हूँ आप लोगों से. सेकंड थिंग, इट इज इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आपको मिट्टी से बना हुआ स्टैचू वगैरह मिलती है सो दैट विल बी फार बेटर सर, कि सो दैट इको फ्रेंडली अगर आप खुद भी बना सकते हैं okay. तो खुद का बनाया हुआ स्टैचू से बढ़कर कुछ भी हो ही नहीं सकता सर. पहली चीज तो दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग बाई योर सेल्फ, सो दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. क्लियर है सर? क्योंकि अगर आप खुद से, अगर आप मिट्टी से बनाओ, अगर आप व्हाट डू यू कॉल दैट, राइस के बॉल से बनाओ, या फिर और किसी चीज से भी बनाओ जो हीको में, एज अ हीको सिस्टम में जाके भी हीको सिस्टम का हार्म ना करे. क्योंकि जब भी पुराने जमाने में साधना होते थे उस टाइम पे वो खुद मूर्ति को बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको साधना कंप्लीट करने के बाद उसको पानी में बहा देते थे. क्योंकि इवन उस मूर्ति के साथ भी आपका अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए. ओके पीओपी को छोड़ के बाकी सारी ले लो. हाँ ठीक है. दूसरी चीज अभी देखो, हम यहाँ पे जब भी मैं जब शिव साधना वगैरह कराता हूँ, आपको खुद को शिवलिंग बनाना होता है, पूजा करना होता है, प्राण पर साधना करने के बाद उस शिवलिंग को भी आपको फिनिश करना होता है, फिर से मिट्टी से बनके मिट्टी में ही फिनिश कर देना होता है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर ना सर. बाजार में शाडू माती मिलती है, उससे गणेश जी भी बनते हो चलेंगे. दैट इज वंडरफुल सर. जब अगर आप उस प्रकार के मिट्टी से बना के फिर से उसको फिनिश कर सकते हो ना, क्योंकि इतना जल्दी आप उसको यूनिवर्स में भेज दोगे आपकी आत्मा के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अब आपको फिजिकल से ज्यादा आत्मा में ज्यादा पावर देगी. मैं शाडू माती की बनाऊंगा. ठीक है ना. आई मीन टू से लिसन टू मी वेरी केयरफुल एट फर्स्ट, जब तक मैं बोल रहा हूँ मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. When I am talking, I want you to listen to me. Clear है? Now, second thing देखो, अगर आपने अभी जैसे कोई भी चीज हो गया, अगर आपने सीमेंट का माता रानी लेके आ गए, आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया ना, प्रॉब्लम ये है कि उसको आप फेंक भी नहीं सकते. एक बार ना उसको कितने लंबे टाइम तक वहां पे रखेंगे, क्योंकि आपने एनर्जाइज कर दिया है उसको, एनर्जी वहीं पे रहेगी. फिर अगर आप किसी मिट्टी से बनाते हो फिर से नेचर में भेज देते हो, वो भी वहां से मुक्त हो गए मगर आपको आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा. फिर सी काउंट फॉर अ पर्पज एंड सी गिव यू ब्लेसिंग एंड सी गो बैक. ओके आपने किसी को बांध के रख दिया ना ऐसा उसमें, तो फिर मूर्ति में तो हमारी काम है कि उस प्रकार की चीज ना हो सके. इफ पॉसिबल वी डोंट हैव टू बाइंड एनीवन, चाहे वो डिवाइन भी क्यों ना हो, हमारा काम उनको बांधना नहीं है. अगर आप इफ यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ देवी काली दैट विल बी फार बेटर. अगर आप खुद से बना सकते हो उससे बढ़िया वो चीज हो ही नहीं सकता, साधना हो ही नहीं सकता. अगर आप खुद से बना सकते हो, दैट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, दैट कैन बी फ्रॉम मॉड, दैट कैन बी फ्रॉम क्ले, दैट कैन बी फ्रॉम व्हाट यू कॉल दैट, व्हिच
that can be from rice flour, that can be from rice powder, from anything you can make. Even that can be from any type of, what do you call it, black wooded. Are you clear here? क्योंकि हमें फिर उसको नेचर में रिटर्न भी करना है. Can we draw it and paint it like water bottles and everything? Yes, wonderful. अगर आप खुद से पेंट कर सकते हो ना, हमें दूसरे के पेंटिंग्स के ज्यादा, ओके, doesn't matter about the one form of देवी काली, ओके, क्योंकि हमने जिस तरीके से वो फॉर्मेशन दिया है ना रियल में, हमें उस फॉर्म से भी अटैच नहीं होना है. सर, अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देन व्हाट डू वी डू विद इट सर, वी बर्न इट और यस, वी विल बर्न इट बैक. फिनिश होने के बाद हमें रखना नहीं है ना उस चीज को. सर, अगर ये फोटो को फिर हम लोग इसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा. तो ये इसको रख सकते हैं ना हम लोग? हाँ. क्योंकि मुझे ड्रा करना नहीं आता और बनाना नहीं आता. ठीक है, जिसको नहीं आता वो रख सकते, क्योंकि देखो, ओके, दिस टाइम द मंत्र दैट वी आर गोइंग टू गिव दैट इज वेरी पावरफुल. ओके, उस मंत्र से अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, ऑब्वियसली आपके काम तो हो जाएंगे, अगर आपके जो भी लाइफ के एनिमीज तो फिनिश हो जाएंगे, मगर उस प्रकार की पावरफुल चीज को ना ज्यादा टाइम के लिए अपने पास नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो फिर आपको भी तो अफेक्ट करेगी ना. तो इसको हमको जलाना पड़ेगा या किसी मंदिर में रखना पड़ेगा या कैसे डिस्ट्रॉय करना? आप कोई भी मंदिर में जाके रख दे सकते हो, अगर वहां पे जला नहीं सकते. ओके, अगर हो सके, मोर इट इज मोर नाइस दैट इफ यू कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम आइडल, नहीं तो ना आप एज अ शिवलिंग जैसे छोटी सी भी तो बना सकते हो ना खुद से. ओके सर, सुपारी रखेंगे तो चलेगा? साइज डज नॉट मैटर. यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा हमको, बहुत मुश्किल से ये ब्रास का मिला मुझे. या फोटोज भी एवरीवन इज लुकिंग लाइक व्हाई आर यू आस्किंग फॉर काली बोल के डर जा रहे. मैं डर गई जब गई तो शॉप वाले पहले ही बोल दिया, नहीं नहीं काली का नहीं मिलता, क्यों चाहिए आपको बोल के बोल रहे हैं. तो मैं डर गई. सो आई जस्ट गॉट दैट ब्रास वन. अभी देखो इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, इवन इफ यू आर टेकिंग अ काली स्टैचू और अ पिक्चर, ओके, always remember that Kali should be with Shivaji. जब तक काली जी शिवजी के साथ ना हो उस पिक्चर को नहीं लेना है. जहां पे काली अकेली हो उसको नहीं लेना है. Okay. So why? I mean, understand the fact, okay? That the Kali was very ugra, that's very powerful. She was invented for a destroyer. कोई कुछ भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काली का आह्वान किया गया था, राइट? ओके, देन व्हेन शी मीट विद शिवजी, ओके, शी बिकम काम, वो शांत हो गई थी. उस फॉर्म को चाहिए, शांत होने वाली फॉर्म को चाहिए. सिंह के आरूढ़ वो भी चलेगी क्या? सिंह टाइगर यानी लायन के ऊपर बैठ के आ रही है, वो भी चलेगी. वो भी चलेगी, मगर कि अगर आपको घर में रखना है, लाइन का मुख बंद होने वाली चाहिए. लाइन का मुख बंद होना चाहिए, ठीक है? लाइन का मुख अगर आपके घर में उस प्रकार की पिक्चर है जहाँ पे लाइन का मुख खुला हुआ है, तो आपके घर में एक्सीडेंट ज्यादा होंगे. दुर्गा में डिफरेंसेस क्या है? मुझे एक चीज समझ नहीं आते आप लोगों की. देवी तो सारे एक ही है, दैट इज द. अभी जब आप खाना बनाते हो आप मम्मी बन जाते हो, जब आप जब बच्चे को खिलाते हो आप मम्मी बन जाते हो, जब आप बेडरूम में जाते हो यू बिकम अ वाइफ. आप तो आप ही हो ना, बस आप ही का तो फॉर्म है. व्हेन यू फीड समवन यू बिकम मदर, व्हेन यू be with your husband you become a wife, when you are with your parents you are a child. But everything whatever you do that is you only, na sir? Yes sir. Aap ek peek bhej do sir, kali jo pata chal jayega acche se. Pehli cheez ek baar mein ek log hi bole, zyada log bolenge to mujhe samajh nahi aayegi. Yes, ha ji, Dipti ji. Ha, आप एक काली जी का चित्र वो पिक्चर भेज दो ना, सेंड करो ना, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अभी देखो, अभी वो खाना भी मैं ही बना के खाना भी मैं ही खिला दूं, कितनी अच्छी बात करते हो यार.
आप लोगों तक हेलो इम्पोर्टेंट थिंग Seriously? Sir, I've sent one photo on your WhatsApp. Just check whether that is okay. Sandeep boy. Check करना पड़ेगा ना मुझे. Sandeep Rane ji. आपने कौन से नंबर में भेजा है सर? One second. I mean, send to that 89201. Sir, ये ठीक है? Just wait. Sir, I've sent on 49390. Can you unmute yourself, please? Can you mute yourself? Sorry. Sandeep Rane ji. ठीक है सर. अभी के लिए ठीक है सर. ठीक है. So that is fine. मान के चल लीजिए कोई चीज ना. अगर आप regular. क्या पानी ना होता है क्या करने निकाय पानी साइन हम वैसे ना just picture. अब पिक्चर से तो पिक्चर में करना तो मैं तो पहले बने रखे सु था के सबै जनाले के सो गरिरा छ म चाहिँ के पनि छैन अनि अनि हजुरसँग पिक्चर त छ नि त त्यो अघिको पिक्चरले काम चल्छ त शिवजीलाई काली लगाएको पिक्चर त्यो पिक्चरले हुन्छ 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 संदीप जी ठीक है अभी के लिए आपके पास जो हो उसी ले लीजिएगा ठीक है मैंने इसलिए यहाँ पे सारे लोगों के लिए इसलिए बोला है ओके कि हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि अभी के लिए ओके इस दिवाली में आप कोई भी रख सकते हो मगर यह है कि हो सके तो इफ यू क्रिएट दैट बाय योरसेल्फ अगर आप खुद क्रिएट कर सकते हो उससे बढ़कर कोई भी हो ही नहीं सकता क्लियर है पहली चीज एक्सक्यूज मी सर यस हाजिरी दीजिए सर ये जो काली माता की मूर्ति जो हमने बनानी है वो हम शिव जी के साथ बनाएंगे या फिर वो अलग से बनाए कैसे करें कैसे भी बनाओ क्योंकि दिवाली जो जो भी आई मीन काली चौदस है इम्पोर्टेंट क्या था कि देर वॉज अ डेमन ओके उसका नाम था नरकासुर ओके उसने 16,000 आई मीन नारियों को स्त्रियों को उसने बंधक बनाया था ओके जब कृष्ण ने और उस टाइम पे देवी काली ने कामाख्या का रूप धारण किया था ओके और कृष्ण ने उनको आई मीन वहां से उसको हरा के ओके सो दैट 16,000 नारियों को वहां से मुक्त करवा दिया था 16,000 एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग ऑन द हिस्ट्री ना कि किसी ने के विदाउट अ रीजन उनको फायदा भी नहीं था कि उनको उचित करके मगर कृष्ण जी ने उनको आई मीन मुक्ति दे दिया इसलिए 16,000 कृष्ण को अपना पति के रूप में माना जो हम 16,000 गोपिनियां बोलते हैं ना ओके गोपिनी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शादी किया गोपिनियों ने क्या बोला कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में पाया मगर डजंट मीन दैट कृष्ण उनके साथ जाके उन्होंने कुछ भी नहीं किया है बस उन्होंने मुक्त कर दिया था मगर ये कि हमारे यहाँ पे जो चीज चल रही है ना हिस्ट्री ओके कृष्ण हैज 16,000 वाइफ 16,000 वाइफ्स हैं उनकी है ना तो हमने कितना गलत रूप में अपने एज ए हिस्ट्री को उचित किया है क्लियर है नाउ इम्पोर्टेंट चीज है सो दैट वाज द बिगेस्ट डे इन द हिस्ट्री क्योंकि उस टाइम पे है ना वो उस नरका वरदान मिला हुआ था so that he can see the most powerful form of Devi. Na? To swayam Devi ne usko aashirwad de diya tha and that day Devi Kali has taken the form of Devi Kamakhya. Devi Kali ne Kamakhya ka form liya tha isliye this jo parso hai 26 ko. Okay? That day is specially given to the Devi Kali. काली चौदस है जो जितने भी टोने टोटके होते हैं मंत्र वगैरह जो भी होता है ना जादू टोना जो कुछ भी होता है ना उस दिन होता है अच्छे काम भी उस दिन होता है बुरे काम भी उस दिन होता है पर हमें अच्छे काम के लिए उसको जागृत करना है देवी को हेलो yes? हाँ जी कैसे हो भाई वेरी वेरी लव तो यू आर लुकिंग वेरी यंगर या सचिन बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से जॉइंट होके या
क्वेश्चन पूछना था, अभी आपने बताया जिसके पास वो काली का अकेले का ये नहीं रहना चाहिए मूर्ति या फोटो, एंड अगेन वो शेर वाला मुंह खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, बट अगर किसके पास हो तो वो कैसे विसर्जन करना या क्या करना है इसका? अभी देखो इम्पोर्टेंट चीज है ना, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट अगर आपके घर में माता रानी की पिक्चर है जहाँ पे शेर का मुंह खुला हुआ है, ओके अगर वो चित्र प्राण प्रतिष्ठित है, अगर उस पिक्चर में पावर है तो कहीं ना कहीं पे वो पावर तो शो हो जाएगी ना बाहर, राइट? केवल माता रानी के साथ साथ तो एज अ टाइगर भी तो उसमें हो जाएगा ना, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा ना। अभी शेर का मुंह खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं पे उसको ब्लड तो चाहिए, अ फैक्ट है सर, ओके सचिन भाई। तो इसलिए ना, तो इम्पोर्टेंट होता क्या है कि उस टाइम पे आपके घर में एक्सीडेंट होना, अभी बहुत सारे लोगों को ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं, और कुछ भी करो किचन में जाओ कुछ भी नहीं है तो मगर ऐसे ब्लड आता ही रहता है, देयर आर फ्यू पीपल। मेरे घर पे नहीं बट कजिन के घर पे, तो इसके लिए मैंने पूछा कि मतलब उसके लिए मैं अगर सॉल्यूशन दे सकूं तो, yes, है ना? आपसे तो ना इसके लिए यही है कि एटलीस्ट एज अ कभी कभी ना माता रानी को बोल देना प्लीज माता रानी ये जो तो आपका शेर है ना उसका मुंह थोड़ा सा बंद कर लेना। सर जी मेरे माता रानी की तस्वीर है, मेरी कुलदेवी रेणुका माता है, तो जो लायन है ना तो उनकी जो टंग है वो सिर्फ बाहर आई लेकिन मुंह बंद है। नहीं मुंह बंद हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सर, ना टंग बाहर है सिर्फ। हाँ तो इसलिए ना अभी देखो पूजा रूम इसलिए बंद रहनी चाहिए, जिस टाइम पे पूजा कर रहे हो उस टाइम पे खोलो, नहीं तो ना उसको बंद कर लीजिएगा। ओपन होने से तो डिवाइन एनर्जी तो बाहर निकलेगी, अच्छा है ना पूरे फैमिली के लिए। अभी देखो सर डिवाइन एनर्जी तो है मगर कहीं ना कहीं पे एनर्जी एनर्जी है सर, एनर्जी आपके लॉजिक से थोड़ी चलेगी। भनेको यस्तो हेर्नुहोस् है, तपाईँको यहाँको टाइम अनुसार तपाईँले गर्नु पर्यो नि त। अब हाम्रो यहाँ त जे पनि भोलिपल्ट मनाउँछौँ त्यही भएर सोधेको हजुरलाई। अब टिका पनि अब नेपालमा लाइसकेपछि यहाँ मनाएको हजुर त्यही भएर होइन, अब तपाईँको भनेको मेन टाइम भनेको चाहिँ अब त्यो टाइम लाइन अनुसार तपाईँको अमृत काल अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ पञ्चाङ हुन्छ नि अमेरिकाको पञ्चाङ हेर्नुहोस् न, मलाई थाहा छैन अनि कतिखेर गर्नु हजुरले भनिदिएदेखि म त्यही टाइम पारे गर्थे। ठिकै छ म उसलाई चाहिँ सोधिदिउँ, गुगल बाबालाई सोधिदिउँ है, सोधेर अनि हजुरहरू भोलि यतिखेर गर्दाखेरि सर हाम्रो त डिए हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हजुरलाई सोधे। हुन्छ त्यो अब होइन भोलि त सिकाउने हो गर्ने चाहिँ पर्सि हो, त्यही पनि हजुरहरूको नाइट हुँदा रे हाम्रो डे हुन्छ नि, आई क्यान नॉट डू इट। हैन हजुरले उसमा चाहिँ त गर्न सक्नु भने त डेमा त गर्न सक्नु भयो नि त, डेमा भन्दा रातिमा राम्रो होइन र सर। अब हेर्नुहोस् है त्यो भन्दा पनि अब त्यो दिनको टाइम कति बेला आउँछ भन्ने कुरा हो होइन, म त्यो टाइम चाहिँ हजुरलाई भनिदिउँला है। हुन्छ हस् यस हेलो सर या सर यस सुष्मिता सर, आपने अश्वगंधा का जो पाउडर लेने के लिए बोला है yes. सर वो क्या वो जो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक स्टोर है जहाँ पे वो सर मेडिसिन मिलता है वही है ना? वही नहीं, वो तो अश्वगंधा है, अष्टगंधा नहीं, अश्व फ्रॉम अ ट्री, अष्ट का मतलब आठ प्रकार के गंधे, चंदन हो कुमकुम हो तो इस प्रकार के मिक्सर को अष्टगंधा होते हैं। हाँ दीपक जी मैं सुष्मिता को बताना चाहूंगी, सुष्मिता जेकोनो पूजो दोकने दशकर्मा दोकने पे जावे, ठीक है जेकोनो दशकर्मा दोकने पे जावे अष्टगंधा पाउडर बोल ही दिए देवे। तो अष्टगंधा तो गुरुजी बारण करछे ना, उनी बोलछे अन्य किछु, अष्टगंधा नय अष्टगंधा आठ रकमेर पाउडारेर मिक्स जेकोनो दशकर्मा दोकने गिए बोलबे पे जावे, सब जगह पाओया जाए, सब जगह पाओया जाए।
यस उमेश जी, यस ट्रू। गुरुजी अष्टगंध में मुझे ये मिला, ये देखिए क्या मिला, एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। अष्टगंध सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही संजना जी। संजना सिंह, नेटवर्क बैंडविड्थ इज वेरी लो। ओके ओके सर, यू कुडंट सी इट, दिस वन सर, सी दिस। Yeah, I think so that is okay. Thank you, sir. And this one is Murti, sir. ठीक है sir. आपे मैंने इतना मूर्ति के बारे में बोल दिया। Yes. Okay. Thank you, sir. अगर आप लोगों ने मूर्ति के बारे में नहीं जाना है तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा थोड़ी देर में, फिर से इस मूर्ति के बारे में आप उसमें देख लेना क्या है। Can I talk, sir? Yes. Can I show this? This is Ashtaganda. Yes, wonderful, Vijaya ji. Yeah. ये है, नहीं कोई पूछ रहे थे ना? Yes, everyone sees Ashtaganda. This is Ashtaganda. पूजा स्टोर में मिल जाएगा आपको। Yes. ये रहा सर Ashtaganda. Yes. सर मैं यह। हाँ जी रवि जी। सर मैं थोड़ा एक फनी क्वेश्चन पूछूंगा। सर नेपाली लोग इतना एनर्जेटिक कैसे बात करते हैं और बंगाली लोग दे आर वेरी फास्ट। अभी देखो सर, अभी इसका तो क्या है कि हम तो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, है ना, तो पहाड़ में होता क्या है ना, इतना फास्ट बात करना तो कैसे होता है। अभी देखो सर, अभी तो हम तो पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ में रहते हैं। यस, तो हमें ऊपर पहाड़ के ऊपर जाना होता है, पहाड़ के नीचे आना होता है ना, तो हम उस उत्साहित पे जाते जाते भी बहुत सारे लोगों की दम फूल दिए, मगर हम ना उसको दाम ना फूले इसलिए ज्यादा बात करते हैं। नहीं नहीं, बात ज्यादा नहीं, वो स्पीड सर इतना फास्ट है, वो मैम जो बोल रही थी इतना स्पीडली बोल रही थी, तो इजी नहीं, इवन इन अदर लैंग्वेज ना इतना फास्ट बोलना थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। नमस्ते सर। हाँ जी सर, मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता, तो मैं बाहर बैठ के पूजा कर सकती हूँ? अभी देखो, नेटवर्क का पूजा करने के लिए आपके नेटवर्क आने की जरूरत नहीं है पहले से, तो क्योंकि पूजा आपको कल नहीं करना है, कल की केवल क्लास है। मैं यहाँ पे आपको 26 को क्या करना है वो सिखाऊंगा, आपको 26 में खुद से करना है। ओके सर। Yes, Nilima. Sir, I will not be at home as I mentioned. Yes. I bought the list of the products which you have already mentioned. Hmm. But you also said the other puja things, like I won't be able to light the D and everything because I'll be in a resort. Do is on the mental now. Actually, अच्छा ठीक है। यही चीज तो मैंने गुरुजी पहले भी बोल दिया, मेंटल पूजा से बढ़कर कुछ भी हो ही नहीं सकता। हाँ जी संजय भंडारे जी। जी मैं और मेरी वाइफ हम दोनों करेंगे, तो हमको अलग अलग तो नहीं करना, एक साथ कर सकते हैं? नहीं, अभी देख लो सर, साधना है, साधना शुड बी डन सेपरेटली। आपको वो मूर्ति भी आपको अगर आप खुद से बना रहे हो तो सेपरेट बनाओ सर। जी जी ठीक है, थैंक यू। तो देर आर मेनी साधना दैट कैन बी डन ऑन अ सेम मूर्ति, मगर जब भी जब तंत्र की साधना होती है, जब इस प्रकार की साधना होती है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, यहाँ पे हम फैमिली से ज्यादा अपने लिए कर रहे हैं सर। हेलो या गुरुजी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मनोज जी, इसमें काली का मेरा पास है। वंडरफुल सर। यस शिवाय इसपे। हाँ ठीक है सर। ओके सर, हो गया हो गया। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को ना थोड़ा सा शांत कर लीजिएगा, कोई बच्चा रो रहा है, कोई टू टू है ना, बैं बैं कर रहा है। हेलो सर। यस हेलो। हाँ जी बोले थे, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दूसरे टॉपिक पे, जैसे कि मेरा बचपन से मतलब मैंने देखा है मेरे खाने में कभी कभी ना बाल आ जाते हैं, इट मे बी लॉन्ग मे बी शॉर्ट, तो इसके बारे में थोड़ा लाइट दीजिए ना। तो इसका मतलब इज इट नॉर्मल?
लेकिन मुझे ये सकता है कि क्योंकि वो पेट में तो नहीं जा रहा, मैं पहले देख ले रहा हूँ। अभी देखो सर, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को पेट में जाने के बाद भी बाल बन जाते हैं, पहली चीज तो। ओके सॉरी टू से, बट हमने इस प्रकार के लोगों को भी देखा है, खाने से बाल ऑटोमेटिकली निकल के आती हैं, बाल कहीं पे भी नहीं थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे सर आपकी लाइफ में जब ज्यादा बाल दिखने लग रही है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपका पीछे हर दम पड़ रहा है लाइफ में, तो एनर्जी आपका एनर्जी कहीं ना कहीं पे मीन निकलेगी। समवन इज ट्राइंग टू टेक योर एनर्जी सर। पूरा क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि नॉर्मली, मैंने इसलिए नॉर्मली बोला कि मैं एग्जैक्टली 100% बोल नहीं सकता हूँ, ओके व्हाट इज द रीजन, ओके ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केस 70% ऑफ द केस अगर हर बार आपको ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअसली बाल बाल मिल रहे हैं, ओके नहीं कभी कभी मिलते हैं, कंसिडेंट हो सकता है, दो बार कंसिडेंट आई मीन कोइंसिडेंट हो सकता है, 3 times आपकी कोइंसिडेंट हो सकती है ना, मगर हर बार जब ये मिलते रहते हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे इन आपकी लाइफ में जो जितना आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। समवन इज ट्राइंग टू टेक योर एनर्जी अवे फ्रॉम यू, समवन इज ब्लॉकिंग योर पाथ नोइंगली। ओके सर, गुरु जी का सॉल्यूशन क्या है? मेरा भी सेम प्रॉब्लम। दीपक जी, आई वांट टू टेल समथिंग। हाय, कैन आई से? या उसका सॉल्यूशन पहले बता दीजिए। हाँ जी, बिना जी बोलिए। हाँ, ये यस्टरडे यू वर टेलिंग ना, देयर सम पीपल यू आर ओल्ड सोल एंड सम पीपल व्हेन दे थिंक ऑफ यू एज अ ओल्ड मैन विद अ लॉन्ग व्हाइट हेयर एंड ऑल। नाउ माय हस्बैंड हैज नो हेयर, I have black hair. My maid has black hair. Today I found about 2 feet long white hair. And the first thing I thought, maybe I was too much concentrating on you के कितने सदियों पुराने हैं आप। अभी वो क्या था? वो मैंने बाल संभाला है, अभी लेके आती हूँ दिल्ली। I have no one who's got white hair. Yes, ठीक है। Are you trying to tell me? मुझे से कहाँ से इतना देखा रानी सो? खाना कैसे डब्बा क्यों नहीं जा? खाना कैसे डब्बा कैसे वो सारे चीज प्लीज बंद कर लीजिएगा। सर, सर, आगे मत पहले सोच ही सके आज वाला क्वेश्चन तो एक चीज फिर सोच माँ। ठीक है, अभी मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, आप उसको लेके आ जाएगा। जहाँ तक यस भास्कर जी, यस सिद्ध बुद्ध जी, इम्पोर्टेंट क्या है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे sounds knowingly someone is trying to stop you, iska matlab someone has done some type of black magic effect on your life, pehle cheez, okay sir. Iska matlab hai ki that those people whenever I am talking I just request everyone to please be silent when I am talking, yes. Second thing, okay, so importance is hai ki that means if you are getting the hair all the time, कहीं ना कहीं पे someone is awakening some type of power, especially योगिनी हो सकती है, डाकिनी हो सकती है, I mean especially about the ladies की spirit को उन्होंने जगा के भेजा है, okay? So that's why I mean उनकी life में कि especially those people who get, okay, I mean this type of things, many times they feel unlucky, but on the same time suppose someone has awakened a dakini and dakini is very highly spiritual soul, usko dukh bhi dege dard bhi dege magar on the same time usko spiritual ki taraf khichegi bhi fir, so that is both the positive side also, that is both the negative side also. Dakini is a very careful sir, dakini is a ghusl, matlab ye to ek petal ka ek naam hai na, चक्रा के जो पेटल से उसका एक नाम तो डाकिनी भी है। नहीं, डाकिनी का पेटल का नाम डाकिनी है, मतलब यह कि उसकी जो अधिराष्ट्री देवी है, ओके, दैट इज कॉल्ड डाकिनी, वो छिन्नमस्त्रा की शक्ति है। डाकिनी जैसे हम भूत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, पिशाच बोलते हैं, उससे भी ऊपर, उससे भी पावरफुल, ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर, उससे भी पावरफुल होते डाकिनी।
तो जब हम चक्रा का पेटल्स के बारे में जब डिटेल्स में जानते हैं तो इसमें डकने भी आती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने उस पेटल को जागृत कर दिया तो नाउ यू कैन कमांड ओवर दैट। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। तो गुरुजी मेरा प्रॉब्लम अभी हम जो साधना कर रहे हैं उससे सॉल्व हो जाएगा ना? होने की चांसेस ज्यादा है। अभी तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन तो मिल ही रहे हैं सर, कृपा ना हो मैं यहाँ आके थोड़ी आप लोगों के सामने क्लास ले सकता हूँ। अभी देखो सर, अभी क्लियरली ओके आई एम टेलिंग अगेन ओके, मैं नहीं तो किसी का गुरु हूँ, आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन क्लियरली। Okay, I'm getting 555 rupees from all of you, so that's why I'm giving this time. अगर मुझे नहीं मिलता मैं आप लोगों का आज के क्लास नहीं लेता frankly. तो okay, so I'm very clear on my things. तो अगर आप मुझे ऐसे गाइड के रूप में मान सकते हैं I'll feel happy, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ केवल मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, मैं आप लोगों को केवल वही चीज सिखा सकता हूँ जो मैंने सीखा है लाइफ में। ओके okay? अगर हर चीज की सिद्धि मेरे पास कुछ भी उस प्रकार की सिद्धि या फिर उस प्रकार की शक्ति नहीं है, आई एम जस्ट ए मीडियम है। ओके okay? अब मुझे जो आता है और मेरे गुरु ने जो चीज सिखाया मैं केवल वही चीज सिखा सकता हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अगर आपने मेरे से सब कुछ भी सीख भी लिया देन यू हैव टू फाइंड अनदर पर्सन जो मुझसे ज्यादा उसको नॉलेज हो, दैट यू नीड टू गो टू देम एंड लर्न अगेन। और उससे भी आपने सब कुछ सीख लिया देन यू नीड टू गो फॉर अनदर थिंग, क्योंकि आई एम नॉट द अल्टीमेट आई मीन डेस्टिनेशन ऑफ योर जर्नी, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आर यू क्लियर सर? तो इसलिए एग्री सर, या सो दैट्स व्हाई एग्री यू हैव टू बी क्लियर ऑन दिस फैक्ट। मैं नहीं चाहता कि आप एज अ मुस्लिम यहां तक आके फिनिश हो जाए, मैं चाहता हूं कि यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो। दीपक जी एक चीज पूछनी थी। हां जी, काली साधना और काली सिद्ध करने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। ओके, दैट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन सर। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काली साधना एंड काली सिद्धि? काली सिद्धि का मतलब है दैट, यस नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन, बी साइलेंस, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूट एवरीवन प्लीज योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नेसेसरी क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काली सिद्धि एंड काली साधना? काली साधना इज अ वे दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट काली। वो काली क्या है? काली का मतलब है काल की देवी, हु इज बियॉन्ड द टाइम। ओके, और हम क्या है? वी आर द पपेट ऑफ टाइम, वी आर अ पपेट ऑफ टाइम, राइट? हम टाइम के अंदर हैं और वो टाइम के बाहर है, हम काल के अंदर हैं वो काल के बाहर है। वो काल से आपको छुटा सकती है, वो टाइम से आपको छुटा सकती है, स्पेशली अबाउट भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो। यस, सी कैन टेक यू बियॉन्ड दैट थिंग। अगर उसकी सिद्धि करने का मतलब है आप भी दैट यू योर सेल्फ गो बियॉन्ड द टाइम, यू कैन कंट्रोल द टाइम। ओके, दैट इज कॉल्ड काली सिद्धि, कि आपने काल को सिद्ध कर लिया, आपने काल को सिद्ध कर लिया, देन दैट मींस काली सिद्धि हो गई। नाउ काली साधना इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। वो काली साधना करके, काली साधना की डिफरेंट चरण है। ओके, मेनी टाइम्स काली प्रत्यक्षी भी आ जाए ना, उससे भी बढ़कर है काली सिद्धि। प्रत्यक्ष आके आपको कितना फॉर्म आपके आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी, एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन फॉर्म, दस फॉर्म, हजार फॉर्म, देयर आर 9.99 crore काली आर देयर। अब हम कितने को सिद्ध करेंगे, या फिर हाँ नहीं, सिद्धि का मतलब है कि अगर एक को आपने सिद्ध कर लिया, अगर आपने काली को सिद्ध कर लिया, ऑटोमेटिकली यू आर रेडी, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सिद्धि ऑफ 10 महाविद्या। क्योंकि 10 महाविद्या भी कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, वो टाइम के अंदर हैं। काली को सिद्ध करने का मतलब है काली आदि शक्ति है, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट समथिंग,
आप ब्रह्मांड को भी नया क्रिएशन कर सकते हो, यू कैन गिव अ न्यू लाइफ टू समवन. सो काली सिद्धि इज अ वेरी बिग थिंग सर, दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग कि आपको समय के पार, समय से ऊपर बढ़ने की क्रिया है सर काली सिद्धि. और काली साधना वहां तक जाने का प्रोसेस है. ओके वहां पे डिफरेंट प्रकार की काली की सिद्धि हो सकती है. ओके आप जैसे जैसे अल्टीमेट रूप में जाओगे, ओके और जो हमने अभी खास की काली के जो हम जो साधना करते हैं ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मेनी पीपल हैज ऑलरेडी गॉट द वंडरफुल रिजल्ट इन देयर लाइफ. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लाइफ में वंडरफुल रिजल्ट उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं. इसका मतलब है कि वो काली जागृत है, इसलिए आप लोगों को मिल रही है. वो जागृत है और हमें देखना है कि यहाँ पे हजारों मंदिर हैं काली के. इट डजंट मीन कि हर एक मंदिर में काली जागृत होगी. जागृत करने ना करना दैट डिपेंड अपन यू. क्या क्या आप उसको जागृत कर सकते हो? क्या आप उनको आह्वान कर सकते हो? क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि आप उनको बुला सकते हो? द सेकेंड थिंग इज हियर, ओके वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको काली को आह्वान करना है, ओके दर द काली इज बेसिकली अबाउट द डेवी ऑफ द डार्कनेस. आपके लाइफ में जितने भी डार्कनेस है उसको हटा सकती है. सबसे बड़ी चीज डार्कनेस क्या है? फियर, एंजाइटी, फोबिया. क्या आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हो उस चीज से? देखो, आर यू क्लियर हियर? यस थरुण सयाल जी, दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. इज दिस द रीजन दैट व्हाई माय मदर लाइफ इंक्रीजेस? अभी आंसर आपको पता है तो मुझसे कंफर्मेशन क्यों मांग रहे हो? Yes. Now, understand the thing, okay? जो भी हम साधना कर रहे हैं दैट इज अ प्रोसेस. ओके यहाँ से एग्जैक्टली आपको काली साधना मिल रही है, ओके वो भी जागृत काली की. आप इवन इफ यू बिलीव इट और नॉट, आपको बिलीव करने की भी जरूरत नहीं. मैं इससे ज्यादा क्या बोलू, आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं, बस करके तो देखो ना. अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, अगर आपको लाइफ में कुछ भी चेंजेस भी नहीं हुआ, तो फिर इसमें बिलीव करने की जरूरत क्या है? क्लियर है? यस. आई रिक्वेस्ट वैशाली रांडे जी टू शेयर सम ऑफ द लिटिल एक्सपीरियंसेस दैट शी इज हैविंग. या वैशाली रांडे जी, या हेलो. या हाँ, ऐसे जब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था घर पे, कोई आने वाले थे, तो मैंने माँ काली और काशी काली का नाम लिया, उनको प्रार्थना की कि जो भी आने वाला है वो टल जाए. तो कब मालूम नहीं कहाँ से हमारे घर पे एकदम से एक बैट आ गया. और बैट आने के बाद वो बाहर निकल गया. तो वो मींस मैंने आपसे ही पूछा था कि इसका क्या मतलब है. तो वो ही आके निगेटिविटी लेके गया घर की जो भी आने वाली थी. और उसके बाद अभी तक कुछ भी आया नहीं कोई, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. पांच मिनट में ये हो गया सब. राइट, दैट इज वेरी नाइस स्पेशली रांडे जी. तो या वेरी थैंकफुल टू यू एंड माँ काली सर. थैंकफुल ना, मुझे थैंकफुल करके आपको आप लोगों को मिलेगा कुछ भी नहीं. नहीं नहीं सर, आप अभी थैंकफुल उसको दे दो ना. उनको तो दे दिया सर. पर करने वाली तो वही है ना, लेकिन उनसे मिला, उनसे मिलाने वाले आप है ना. लेकिन सर देखो, जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी उनसे थोड़ी मिलाएगा. मैं नहीं मिला था, कोई और आके आप लोगों को मिला देता. बराबर सर, है ना. यस, वो तो जब तक उनका टाइम ना आ जाए, ओके चाहे अगर मुझे कुछ भी होता देन समवन विल कम एंड आई मीन आपको मिला था, मिलना है तो मिला के छोड़ेंगे. मुझे नहीं है, थैंक यू. उसको दे दीजिएगा क्योंकि करने वाली तो वो है. यस सर. नमस्ते सर. डिसाइड होता है कि ये हम साधना में आने वाले हैं, उसका कॉल आया है तभी हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या? जब तक उसकी कॉल नहीं आएगी सर, जब तक उसका कॉल नहीं आएगा, आप कितना भी करो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु पेड फॉर अ सेमिनार कोर्सशिप मगर लास्ट डे में आ ही नहीं सकते. पैसा है, टाइम है, मगर कुछ ना इतना आए हो जाएगा. पर जिसको आना है कुछ भी नहीं है, बस दे विल सडनली कम.
एग्जांपल मेरा है सोना जी सर हमारे यहाँ पर माँ काली का ये आइडल रखना अलाउड नहीं है घर में तो खाली उसका एक पिक्चर या मैं हेलो हाँ जी बोलिए हेलो हाँ जी गुरुदेव हमारे यहाँ पर माँ काली का आइडल रखना अलाउड नहीं है ठीक है तो मैं मोबाइल के ऊपर उनका पिक्चर डाउनलोड करूँ हाँ। या एक मैं प्रिंटआउट निकाल लू कंप्यूटर के ऊपर एक प्रिंटआउट निकाल के फिर ये पूजा विधि जब खत्म होगी तो फिर मैं उनको वापस कबर्ड में रख दू चलेगा या मैं उसको बोला एक कहीं पे थोड़ी सी काली की मूर्ति बना दो खुद से राइस फ्लोर से या फिर जौ की फ्लोर से वॉट एवर दैट इज उसके बना लो पूजा करो 3 दिन तक हाँ। उसके बाद उसको पानी में फिनिश कर दो क्या है बस ठीक है आई एम डन नमस्ते गुरु जी आई एम डन हाँ जी जस्ट हेलो यस सर कैन आई आस्क समथिंग यस मनीषा यप सर जो अभी आप रिलेटेड टू दिस मूर्ति आई विल जस्ट नॉट टेक मच टाइम मेरे पास सर काली उड़द दाल गेहूं और काले तिल का आटा है which I am using for some other puja. So can I use the same yes, to make why not? The... Yes, why not? Yes. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Sir, can I speak? Yes, sir. बोल लीजिए आईफोन जी या इस नाम तो रख लीजिएगा ना आईफोन के जगह पे या नहीं तो ना Sorry. गुरुजी मुझे एक चीज पूछनी थी कि जब आपका अपना नाम बता दीजिएगा so that अनिल सर या सर मुझे ये पूछना है कि जब कल ये साधना की पूजा होगी तो सर ये ओपन प्लेस में करनी है लाइक मंदिर में करनी है तो ओपन डोर होने चाहिए या क्लोज होने चाहिए डजंट मैटर अबाउट इट क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो थोड़े डिस्टरबेंस की दिक्कत रहेगी ओके तो ऐसे कर लीजिएगा फिर दरवाजे बंद करके कर लीजिएगा क्या है ओके बस मुझे ये पूछना था ठीक है हाँ जी अंजू जी हाँ जी सर मैं पूछ रही थी हाँ। आज तक काली जी की एक फोटो लेकर आए हाँ। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बहुत ही सौम्य रूप में है बिल्कुल हाँ। वो नहीं है वैसे नहीं है कि जीभ बाहर निकली हुई है और नीचे शिव जी जी है वैसे नहीं है लेकिन बहुत क्यूट से रूप में है ठीक हाँ। है वो सो दैट इज फार बेटर अगर क्यूट से रूप में है सौम्य रूप में है तो आप उसको घर में रख सकते हो अच्छा वही मैंने पूछना था तो बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा इनको देख के अभी लेकर आई ही मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत अच्छी लगी काली माँ नहीं तो सर डर जाते थे सौम्य रूप की हम किसी को भी रख सकते हैं घर में ओके सौम्य रूप से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उग्र रूप को ना घर में नहीं रखना हाँ जी हाँ जी दैट्स व्हाई मैं बता रख लूंगी ना अपने मंदिर में ठीक है सर वो काली का तो ऑप्शनल रखा है रखना है या नहीं रखना है फोटो रखना है नहीं रखना है अंतिम करना वो जिसको रखना है लाना है लाओ नहीं लाना है मत लाओ ना सर मतलब ना बस वंडरफुल आंसर रवि सर थैंक यू सो मच आपने बोल दिया मेरी जगह से थैंक यू एक्सक्यूज मी यस सर ये काली जी पूजा करनी है हमें वो किस टाइम पे और कितने दिन के लिए करनी है ये बस 3 दिन के लिए करना है रात को 9 बजे okay. के बाद ही करना है ओके ओके ठीक है सर थैंक यू क्योंकि काली की साधना रात को होती है डे में नहीं होती है यस सर यस निधि जी बोलिए यस सर सर मुझे ये पूछनी थी जैसे मैं बाहर रहती हूँ यूएई में तो यहाँ के 11-12 बजे भी कर सकते हैं यहाँ के 12 बजे मतलब इंडिया के 1:30 बजे हुआ तो चलेगा ऐसा आपको रात को ना रात वहां के टाइम से रात के 9 बजे के बाद करो ना क्या है जी जी 9 बजे ऐसे कुछ 12 बजे के पहले कर रही है नहीं नहीं ऐसी नहीं है रात का मतलब क्या है कि सुबह तक है ठीक है आपको रात का मतलब 9 o'clock से सुबह जब तक सूर्योदय नहीं होता उसको रात बोलते हैं जी सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन फॉर यू यस
जो मैले त्यो के अरे उग्र रूपकै फोटो मन्दिरमा राखेको छु नि, त्यो फोटो हामीले तीन दिनको लागि पूजा गरेपछि लगेर नदीमा बगाउने कि यो फोटो सधैँ मन्दिरमा राख्दा हुन्छ? मेरो एउटा पसलमा पनि छ, यहाँ पनि छ, त्यो उग्र रूपकै फोटो छ, अनि मैले पूजा गर्दै आइरहेको छु। त्यही त हजुरले पूजा गर्दै आइराखेको छ भने चाहिँ राख्नु होला है। पूजा गरिरहेको छु, मेरो पसलमा मन्दिरमा पनि छ यही फोटो। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा एउटा चाहिँ कि चाहिँ तपाईँको धानको अथवा चामलको अथवा गहुँको चाहिँ आँटाबाट चाहिँ उसो बनाउनुहोस्, माताको मूर्ति बनाउनुहोस्, बुझ्नुभयो नि? त्यसमा साधारण चामलको पिठो होस्, गहुँको पिठो होस्, अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको पिठोबाट बनाउनुहोस् पहिला, होइन? अनि त्यसको पूजा गरेर, त्यसको साधना गरेर तिन दिन पछि त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको उसमा चाहिँ गर्न मिल्ने भयो नि त, पानीमा बगाउन मिल्ने भयो नि त। पानीमा हालिसकेपछि तपाईँले आफ्नो गार्डनमा त हाल्न पाउनु भयो नि त। पाउँछु, चोखोडामा लगेर राखिदिन पाउँछु सर। त्यही त, हुन्छ हुन्छ, त्यही त। त्यसो भए सर, मूर्ति बनाउन आफूले कल्पना गरेको जस्तै बनाउने, नआए पनि जे हो यही काली भगवान भनेर एउटा डल जस्तो बनाउने सर? हजुर हजुर हजुर, यस नरेन्द्र जी। दीपजी, हाँ जी, वो जो नवरात्रि की साधना जो हम कर रहे थे ना, मंत्र जाप, वो 25 मेरा पहले हो गया था, लेकिन मैंने दोबारा से 51 के लिए दोबारा शुरू किया, तो वो 41 हो गया है। लेकिन अभी जो साबर मंत्र आपने दिया है, इसके वजह से वो मेरा पूरा नहीं हो पा रहा जिस स्पीड में से मैं पहले चल रहा था। तो अभी उसको 50-100 डोज का काउंटिंग करके आप दूसरी साधना के ऊपर फोकस कर सके। ठीक है जी, ठीक है। गुरु जी मेरा इसमें है की 21 टाइम मैंने एक्चुअली वो पिछले पूर्णिमा को खत्म हो गया था, मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला, आपने रिप्लाई किया नहीं। अभी मैंने वो क्या करूँ उसको, मतलब मैंने जस्ट रखा हुआ है और उसको मैंने लैमिनेट किया हुआ है। ओके, अब ऐसे कर लीजिएगा, अगर आपके लिए करना है या फिर करना है पहले किसी चीज में भोजपत्र में जितना छोटा हो सके उतना बना लीजिएगा, उसके बाद उसका थोड़ी सी पूजा कर लीजिएगा और बोल लीजिएगा की देवी काशकी काली, ओके, आप आ जाइए, देवी दुर्गा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटे स्कंद माता जो सारे हैं वो सारा आ जाइएगा और उस यंत्र को पूजा कर लीजिएगा। उसके ऊपर आपको 108 टाइम्स हाथ रखे 108 टाइम्स मंत्र करना है और उस भोज पत्र को आप किसी चीज में बांध के आप प्रोसेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नहीं, वो बहुत बड़ा सा लेमिनेट किया, वो कुछ नहीं हो सकता सर उसको। मैंने क्या बोला, दूसरी चीज में बनाओ ना। और फिर वो जो लेमिनेट वाला उसको क्या करो, उसको घर में रखो, मंदिर में रख दो। अच्छा, उसको ऑफिस में रख देता हूँ, ऑफिस नीड फॉर प्रोटेक्शन। यस, छोटा बना के एक मिनट, एक्सक्यूज मी, छोटा बना के उसकी ताबीज बनानी है क्या? यस, हाँ, ताबीज बना के लगाना है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस डिंपल सर, ये आपने नवरात्रि में करवाया था तो उसमें आपने जो लिखवाया था यंत्र पे ओम हेम क्रीम चामुंडाई विच्छे, राइट? तो वो मंत्र भी सिद्ध हो गया क्या? नहीं, वो मंत्र सिद्ध तो ऑलरेडी, वो मंत्र जागृत मंत्र है, इसलिए अभी ज्यादा आपने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया है, वो तो केवल बीज मंत्र है, नवदुर्गा के बीज है वो। ठीक है ना, अमी का मतलब सरस्वती है, सरस्वती का मतलब शैलपुत्री है, तो ना इसलिए वो नवदुर्गा के दे आर ऑल द नवदुर्गा के बीज मंत्रों को एकीकृत करके बनाया गया मंत्र है। जी सर, मुझे वो मंत्र लिखने की आदत है। हाँ, क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस, हाँ जी बोलिए। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। नमस्ते गुरु जी। हाँ जी। What is the difference between काली माता, ललिताम्बिका एंड दुर्गा, प्लीज? अभी देखो, मेरे लिए तो सब लोग एक ही हैं, बस एक ही, when you are using the black dress you become Kali, when you are using the red dress you become Lalitamba, and when you are using another dress you become other form, क्योंकि उसमें difference कुछ भी नहीं है, एक ही है, but when with a different form
योर आइडेंटिटी विल बी डिफरेंट. ओके, जब आप अपने मायके जाते हो, ओके, आपकी आइडेंटिटी तो डिफरेंट है, राइट? पहले चीज, जब आप अपने घर में आते हो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंस है, जब आप बच्चे के घर में जाते हो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, यस. जब आप अपने सास ससुर के सामने होते हैं आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट होते हो, तो आप एक ही हो ना, राइट? दूसरी चीज, हमने बस उनको कंडीशनिंग कर दिया है, ओके, कि आपका फॉर्म ये है, आप इस कंडीशन से आप आ जाइएगा. तो व्हेन यू आर गिविंग हर कंडीशन, वो उसी कंडीशन के हिसाब से आते हैं. वो फॉर्म नहीं तो एनर्जी इज एनर्जी. एनर्जी को जब हम कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, अपने हिसाब से उस फॉर्म को बना भी सकते हैं. आर यू क्लियर हियर शुक्लमाय जी? मुझे yes, गुरुजी ऐसे लगता है, राइट? सेकेंड थिंग, जहां तक है ना आपका जो जो भी दस महाविद्यालय, दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द डेवलपमेंट. अभी देखो, बचपन से आपने अपने पिक्चर को देखा होगा, बचपन में आप छोटे थे, ओके, आपका फॉर्म डिफरेंट था, आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट थी, ओके. किसी ने आपको बुलाया होगा तो आपको लगता था कि मुझे उस टाइम पे, मैं मीठा पसंद था, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है. इफ समवन कॉल यू ऑन दैट फॉर्म, ओके, आप वही फीलिंग के साथ जाओगे. व्हेन यू आर 16 इयर्स ओल्ड, ओके, सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड अ महातिरुपुर सुंदरी फॉर्म. तो उस टाइम पे यू आर ऑन द वेरी हाई एनर्जी, आपके अंदर जो आसपास औरा विल बी मोर, यू आर मोर एक्टिव, यू वांटेड टू बिकम अ मोर, आई मीन, ब्यूटीफुल. सो दैट फॉर्म, आई मीन द टाइम ऑफ अ 16 ईयर 17 ईयर इज कॉल्ड अ तिरुपुर सुंदरी फॉर्म. ओके, व्हेन यू आर वेरी एंग्री, when you are protecting someone, when you are protecting something, अभी वो form है आपका, is a खाली का form है. आप तो आप ही हो, but आप में भी तो difference है ना फिर. Clear? I've done my Sri Vidya. Can I start with this Kali? Kali Mata का पूजा भी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? Sri Vidya के अंदर भी तो बहुत सारे जो Kali प्रयोग होते हैं. So, especially Tantra is divided into two parts. One part is called Kali Kul, another part is called Sri Kul. Okay? Kali Kul or Sri Kul में ये power उतनी होती है. But Sri Kul थोड़ा सौम्य होता है. Okay? Kali Kul थोड़ा सा उग्र होता है. Sri Kul will, I mean, start from the base. Kali Kul will start from the power. Clear? Sir. हाँ जी. Sir. What to do with the photo after finishing the puja? Where should I keep it? मैंने अभी इसका आंसर दे दिया सर, एक बार इस रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा सर, राइट? या कैन आई टॉक सर? या थैंक यू सर. व्हेन यू सेड, व्हेन यू, व्हेन वी डू द साधनास फॉर द सिद्धिस, सो इज इट इंपॉर्टेंट? आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? बिकॉज़ इट इज वेरी, ओके. Is it important to think about the what siddhi we will get before we start the sadhana? Because for me, I started following you because I felt you are able to guide me in my spiritual path. So all the classes which I have attended of yours, I never thought that I have to go for this because I want this. So is it important to have a goal like? अभी देखो, मेरे लिए important क्या है कि मेरे लिए साधना important है, सीधी important नहीं है. For me, so that is my personal view, okay? So yeah, I cannot tell कि आपके लिए important क्या है, okay? I'm just putting my opinion only, okay? And don't take my opinion as your opinion. आपकी opinion difference भी हो सकती है. अब मेरे बहुत सारे, even मेरे जो गुरु के और भी शिष्य हैं, उनकी ओपिनियन डिफरेंट है फिर, ओके. आई कैन ओनली टेल अबाउट माय ओपिनियन, ओके. फॉर मेरे लिए ये है कि इवन हमने सिद्धि हासिल भी कर दिया, मेरे लिए तो वो सिद्धि भी बोझ बन जाएगी फिर, और जब मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो मेरे लिए बोझ बन जाएगी. इवन आई डोंट वांट टू गेट अटैच विद अ सिद्धि, ओके, पहली चीज. सो दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन. और दूसरी चीज, मैं ना वो सिद्धि लेके करूंगा क्या? अब और मुझे सिद्धि की जरूरत क्यों?
आई नीड दैट जब मेरे अपने आई मीन पावर से या फिर अपने जो जो आई मीन ऑल माय व्हाट डू यू कॉल दैट मेंटल स्पिरिचुअल या फिर इमोशनली मैं उतना स्ट्रांग हूं कि ओके मुझे सिद्धि की जरूरत है ही नहीं. ओके अनदर थिंग इज दैट ओके सिद्धि बहुत सारे सिद्धों को रोक देती है फिर मुक्ति होने से. ओके सॉरी टू से बिकॉज सिद्धि ही उनको रोक देती है ऊपर पहुंचने से क्योंकि सिद्धि आने के बाद बहुत सारे लोगों को घमंड भी आता है. Yes, I mean, ever since I was young, this was what I have learned that, you know, even if you get a siddhi, forget it. I mean, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ना आपको आप उसको forget कर रहे हो, सिद्धि आपके लिए काम करेगी. आपको सिद्धि के ऊपर काम नहीं करना पड़ता. ओके तो इसलिए हमारा काम होता है कि हम साधना जब भी करते हैं लास्ट में मैंने संकल्प करके बोल देता हूँ कि गुरु चरण कमलम समर्पयामि तो सिद्धि भी गुरु समर्पित हो जाए. I say सर्वम कृष्णार्पणम. हाँ तो ना इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं उसका फॉल कुछ भी हो मैंने तो गुरु को सौंप दिया पर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द साधना. ओके ओके बट ओके सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन यस बट मेनी टाइम्स ओके व्हाट आई एम आल्सो सेइंग इज दैट मेनी टाइम्स वी नीड आई मीन स्पेशल टाइप ऑफ साधना जो हमें we need a protection, we need something. उस टाइम पे संकल्प करके हमें क्या चाहिए वो तो वो चीज मांगना पड़ेगा. जब तक आप क्लियरली नहीं मांगोगे मांगना भी है क्लियरली मांगना है. ओके मांगना भी है तो क्लियरली मांगना है कि मेरा ये चीज काम होनी चाहिए. ओके सो व्हेन आई फर्स्ट केम टू योर फर्स्ट लेवल ऑफ शामनिज्म दैट्स व्हाट आई लर्नड लाइक ऑल दिस इयर्स आई डिडंट हैव आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है या फिर मेरे नेट में प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है. राइट नो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द गुरु अराउंड यू एंड टू गेट द प्रोटेक्शन एंड दैट हैज हेल्प मी इमेंसली इट हैज हेल्प मी बट एवर सिंस आई स्टार्टेड द लावा फेरा एवरी नाइट लाइक एवरी नाइट यू आर कमिंग इन माय ड्रीम्स एंड लाइक बिफोर नो इट इज लाइक एवरी नाइट यू आर क्लियरिंग वन one problem like in the morning I'm not remembering what it is I used to remember my dreams I'm not remembering it but every night you are coming and you basically come at the end of the dream and clear that off. So is it like does it mean that the mantra is working for me and because before I started the Lama Fera for almost 2 weeks every night I dreamt of ghosts. And it was not a scary dream. It was like they would come to me and then I would offer some suggestion or healing. I don't know what I offered and then they would go away. And then after starting the Lama Fera, that intensified. But you started coming in my dreams to clear it off. So does it mean that the Lama Fera is working or what is it? Or abhi Lama Fera to abhi tha humne start nahi kiya abhi tak to jo whatever you are getting that is a totally different thing from a Lama Fera pehli cheez to kyunki humne Lama Fera ka symbol to abhi tak humne Lama Guru yes Lama's Gurus yes okay so there is a difference between yes, Lama's Gurus and the Lama Fera's okay Lama Fera ki course to abhi tak start hui nahi hai because I seem to be more yeah because I seem to be more sensitive to the gurus because the shamanic first level also I sense the gurus very quickly. Yes so is it the lama gurus who are Lama's gurus me? Yes ab dusri cheez dekho aapne to keval mujhe dekha hai as aapne guide ke roop mein okay agar wo bhi aa bhi rahe honge okay so you don't recognize them aap to keval mujhe recognize karte ho to so that's why you see me in your dream that's all so that doesn't mean that is me okay that may means they are coming on my form that's all guruji guru yeah that is possible guruji mera ek question hai guruji main shamanic mantra karta hu yes okay to maine dala bhi tha last jo hai na around 3-4 days back maybe it mera neend mein se khul gaya and I saw a peacock ha I saw a peacock so I was actually just thinking ki whether it is गुरु मीन्स पिता मणिराम बिकॉज ही इज 108 फेदर तो इट मे बी बट आई डोंट नो बट मैं एकदम ऐसा डर गया फिर मैंने सबको मतलब अगेन रिमेम्बर किया सबको एंड थैंक्स बोला मैं फिर से सो गया. तो मुझे समझ में नहीं आया क्या था. तो ऐसे ऐसे आते हैं ओके तो इसलिए ना हम इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय ना उनको रियली थैंक यू बोल दे सो
that will be far better. हाँ नहीं वो तो थैंक यू तो बोल देते हैं बट डर भी जाते हैं ना कभी कभी बट मैंने अभी डरने का कोई काम नहीं रहता है जो भी आता है आई से ऑलवेज थैंक यू एवरीथिंग बेसिकली और एक चीज मुझे और ये पूछना था सर ये जो जैसे जैसे निगेटिव जाना चाहती है या बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कुछ तो भी करती रहती है जाने से पहले कुछ तो भी जाने से अभी देखो आपको एक टैंकी हो आप ओके पानी की टैंकी आपके नीचे बहुत सारे वो चीज गंदगी फैली हुई है ओके नाउ अगर वो गंदगी साफ करना होगा तो सारे टैंकी थोड़ी देर के लिए तो और ज्यादा आ जाएगा ना सर यस yes, आप जब गंदगी निकालोगे वो गंदगी तो सारे पानी में फैल जाएगा थोड़ी देर के लिए यस 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 तो जब वो गंदगी सारे पानी में फैल रहा है तो उससे हिम्मत हारनी नहीं चाहिए कि एटलीस्ट आपकी गंदगी निकल रही है ना हाँ नहीं वो तो हो रहा है सेंसिटिविटी भी बॉडी के अंदर बढ़ रही है काफी सेंसिटिव हो रही है बॉडी पहले इतना सेंसिटिव नहीं था मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइक मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि इंट्यूशन थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा बट साउंड जो साउंड का है ना कुछ इफेक्ट हाँ. वो बहुत ज्यादा शार्प हो गया है बहुत हाँ. ज्यादा और आई हैव टोल्ड यू लाइक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस था जब मैं चैंट करती हूँ और अभी थोड़ा वो उसे मैं इंजॉय कर रही हूँ पहले मैं डरती थी लेकिन डर है आई एम टैपिंग माय सेल्फ ग्रेजुअली लाइक मे बी शायद कुछ इम्प्रूव हो मेरे अंदर बट तीन फैक्टर सर अभी भी है अभी भी है आई एम ट्राइंग टू ओवरकम लेट्स सी कब तक होता है बट इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सर I mean, डरते ना एक नशे की आदत तो होती है ना तो आई डू वेट फॉर द पर्टिकुलर टाइम कि मैं जाऊंगी चैंट करूंगी एंड आई विल एंजॉय दोस वाइब्रेशंस इन माय बॉडी एंड इट रोटेट्स लाइक अपर बॉडी में अलग होता है और जब वो डाउनवर्ड्स जाती है पैरों तक वो भी एकदम अलग ब्रेकअप में होता है अपर बॉडी में अलग जाएगा और लोअर बॉडी में अलग जाएगा वो अलग होता है और आफ्टर चैंटिंग कुछ वाइब्रेशन नहीं है उसी जगह पे बैठी होती हूँ मैं कुछ नहीं होता इट्स लाइक नॉर्मल नमस्ते सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ जी अनिल जी सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था दिस इज माय मदर यस तो मेरे पास माई रानी का ये स्वरूप है थोड़ी देर पहले कि जो माई रानी का शेर है उसका मुंह खुला होना चाहिए तो बंद होना चाहिए तो उसका अभी देखो खुला है तो ना कहीं पे लाइफ में ना वो बहुत सारी चीज में रुकावट आती है सर खुला है तो ओके okay? बंद है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी ओके ठीक है सेकंड चीज ओके अगर खुला भी है तो ना माता रानी को आपको बोल देना चाहिए कि प्लीज अभी साउंड लेवल में इसके ना थोड़ी देर इसकी मुख को बंद कर दो ठीक है सर या गुरुजी मैं बहुत लकी हूँ एक्चुअली कल मैं थोड़ा परेशान था तो ऐसे तरुण सियाल जी से बात हुई तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया तो काली साधना के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम लकी हो शायद एक रास्ता खुला है तुम्हारे लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी की कल आपने मुझे ग्रुप में शामिल किया इंपॉर्टेंट चीज है सर अभी थैंक यू मुझसे ज्यादा अपने जो गुरु है ना अभी श्री श्री जी को आप थैंक यू बोल दीजिएगा है ना अभी सबसे बड़ी चीज है कि जब तक आप लोगों की गुरु की कृपा ना हो आप लोग यहाँ तक भी आ नहीं सकते ना पहले चीज जी 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 सर बिल्कुल ठीक है ना सर जी थैंक यू सर So there's a small request, sir. Yeah. If possible in Bangalore, would you be able to conduct a one-day workshop for kids healing? I mean, yeah, teach them healing now, like a small. Yeah, I was talking with Kavijadi today for one or two free workshop in Bangalore. One day I will be doing a free Lama Fera workshop in Raipur. Okay. Free Lama Fera workshop in Kolkata. Free Lama Fera workshop there in. Bangalore, places though. Yes, even for a children, yes, we can do. Can you talk with Kavita ji for a timing? Yeah, Nidima?
Hello. Yes. Cannot hear you. Yeah, I want you to talk with, I mean, Kavita ji for a timing and everything. Okay. For kids, if you can teach them small healing techniques, because it is different when you give them the mantra and we give it. Right. So, and I think they will follow better. Yeah. So I request you to talk with Kavita ji. Okay. Because I will be coming in next month itself. Okay. So next month, 14-15, I'm coming to Bangalore. Okay. So that if you can organize or arrange, I mean, that type of date, I'll be happy to come and teach to the children. अभी बच्चों तो मेरे कमजोरी हैं, okay? कहीं पे भी जब बच्चों के related workshop होते हैं, I really feel good to teach them something. But my son is eagerly waiting for your third level of mind engineering, sir. Yes, wonderful. Yes. And he would love to attend that healing workshop. Right. Yeah. So yeah. Deepak ji. हाँ जी. ये second level जब 51 complete करेंगे उसका next stage क्या है? अभी पहले चीज तो माता रानी को बोल दीजिएगा कि आकाश के कलेक्टर को बोल दीजिएगा कि अभी मेरा 51 कंप्लीट हो गया है, जो करना है आप खुद करो, अभी के लिए थोड़े थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ पहले चीज तो ठीक है, पहली चीज ठीक है सर. दूसरी चीज, नाउ अभी आप और किसी के लिए भी, आई मीन यू कैन क्रिएट दैट क्षेत्र सर, अगर किसी को नजर वगैरह लगती है, किसी के लाइफ में परेशानी वगैरह आती है, आप उस यंत्र को बना के माता रानी से जब प्रार्थना करके और खास के काली से प्रार्थना करके उनको यंत्र बना के दे सकते हो सर, सो दैट यू आर गोइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल सर. आप बता रहे थे कि उसमें प्राण अर्पण कैसे करना है, बताएंगे बात. बस यही है ना कि वो किसी भी भोजपत्र पे बना दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हे नवदुर्गा माता और हे खास के काली का, आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा. Okay? और उसके थोड़ी सी पूजा करके है ना, तो उसके ऊपर हाथ रखे 108 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मंत्र कर लीजिएगा. ठीक है जी. गुरु जी, ये जो भोजपत्र है इसमें बीच बीच में थोड़ा होल है, तो इट इज ओके, ये पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए. अभी देखो यंत्र में होल नहीं हो तो अच्छा है, अगर वो उस नहीं मिल रहा है अभी भी आपके पास, यू हैव टू मोर डेज ना लेने के लिए. ओके ओके, दो दिन तो बाकी ही है. ठीक है, समझ गया, थैंक यू गुरुजी. यस, पास कर. इसके शामनिक लेवल हमारा फर्स्ट वर्कशॉप हो ना. हाँ. आपने बोला था एक रिवाइज क्लास लूंगा, रिवीजन क्लास. यस, तो कब हो? सो आई विल बी टेकिंग अ रिवीजन क्लास वेरी सून इन जून. ओके, पहले दिवाली को फिनिश होने दो एंड विल टेक अ रिव्यू क्लास. यस, in November 14-15, I think there will be the level second in Bangalore. Level second. Yeah. So, Navratri Sadhana में जो यंत्र बनाया था कागज पे, वो मैं उसको बांधना नहीं चाहता, तो अगर उसको नदी में विसर्जित किया तो चलेगा या घर पे लेमिनेट करके हमेशा के लिए रखू? नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो सर. चलो ओके, थैंक यू. ठीक है गैरी जी, अमृतसर में कितने लोग रेडी है नाउ? ओके, तरुण जी, दीपिका जी, इफ यू आर रेडी, आई एम, मेरे पास, आई होप मेरे पास ना दीपावली के बाद 30-31 को मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, अगर मैं यहाँ से अमृतसर आ जाऊँ. यस, अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं यहाँ से अमृतसर आ सकता हूँ 30 को. रेडी सर, रेडी. तरुण जी, आप वहीं पे ही अमृतसर हैं? सौरभ जी, यस. सो let us, I mean, do this thing then, okay? Yes, sir, we are ready. Yeah. Sir, what about Hyderabad? Hyderabad ke liye na, main, yes, I'm thinking about 9-10. 9-10. Yes. November 19 ke, so do you have enough time for Hyderabad? I think some of them are there here, sir, in this group. Maybe they all can pull up and I can try to do it here. Yes. Place is also ready. Hi. Yes, Hyderabad, na? Yes. Yes. Manoj ji se finally... Guruji. Yeah. Yes, right. Now everyone, do you know this person? He know me before coming to India. Okay. India aane se pehle, he is the one person I know him before I come to India.
I'm knowing him from 2015. चार साल हो गए अब तक हम मिले भी नहीं है सर बड़े पे मनोहर जी. I'm really excited to meet you sir. Even the time when I was in Japan myself, okay, I know him. उस time से ना मेरे पीछे पढ़े हुए हैं. So आ जाइए सर हैदराबाद को. We all want to see you, meet you, and we want to learn more from you. ठीक है मैं अभी हैदराबाद आ रहा हूँ. Okay. तो आप डेट फिक्स कर लीजिए. I'll try to arrange here. Yes right. 19 मुंबई कभी आ रहे हैं? मुंबई ना एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग फॉर अ डिसेंबर मुंबई के लिए. मुंबई पुणे के लिए डिसेंबर. यस सर अगले बार जब आप आएंगे ना तो दो दिन हमारे लिए स्पेशली रखिए. वन फॉर बनी. सप्तशृंगी चाहिए मुझे सप्तशृंगी जाना है सर. एक दिन आपको जो है ना मनी अपना ये मनी औरंगाबाद सप्तशृंगी. दो दिन आप मेरे साथ रहेंगे उसके लिए आप तैयारी करके अगले बार पक्का आइए. ठीक है. नहीं मुझे वहाँ पे सप्तशृंगी जाना है. और जो गोरखनाथ पीठ है ना, गोरखनाथ पीठ है वो अहमदनगर में है और सप्तशृंगी नासिक में है. तो हम क्या करेंगे गोरखनाथगढ़ से औरंगाबाद जाएंगे. औरंगाबाद में गणेश्वर टेम्पल है. फिर वहां से नासिक जाएंगे और नासिक से करके फिर आप बोलेंगे पूना ड्रॉप करो या अहमदनगर ड्रॉप करो करेंगे. दो दिन चाहिए एटलीस्ट. वो हिसाब से अगला शेड्यूल बनाइए सर. ठीक है ठीक है ठीक है. सर मैं वहीं पे रहता हूँ. ओके कहाँ पे रहते हैं सर? मैं तो नासिक के पास धुले करके सिटी है बड़ी. वहां से नजदीक है मेरा. सप्तशृंगी के टेम्पल नजदीक है वो पूरे यानी. नासिक में तो मेरे दीदी भी रहती है. सो एवरी टाइम व्हेन आई गो टू नासिक आई नासिक से मेरा जुड़ाव भी है. यानी मैं हफ्ते में एक बार भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं. बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पे. ओके ठीक है. फिर इस बार वर्कशॉप नासिक में भी हो रहा है ना इसलिए. चलो अच्छी बात. ठीक है ओके. सो आई विल पुट द शेड्यूल फॉर सेमेनिक वर्कशॉप एंड माई ट्रेवलिंग. मैं कल तक आप लोगों को फेसबुक में अपडेट कर दूंगा. ओके अगर आप लोगों ने टुमारो विल बी द क्लास रिलेटेड टू द साधना. ओके टुमारो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपको साधना में क्या एग्जैक्टली करना है, मंत्र कैसे करना है, कितनी बार करना है. एंड 26 ओके जो 26 को आपकी क्लास नहीं होगी, आपको खुद करना है 26 को. नहीं को क्लियर है? क्लियर है. ओके क्योंकि इवन उस टाइम पे तो मुझे अपनी साधना भी तो करनी होती है ना. सही है सर. लेकिन 26 को लक्ष्मी साधना भी है ना? लक्ष्मी साधना होंगे मगर यह है कि अभी देखो 27 को नाइट को कुछ चीज है ना, दिवाली है ना, तो हम 27 को डे में भी तो कर सकते हैं ना जूम क्लास. यस सर यस सर ये तो बढ़िया है. दैट विल बी फार बेटर ना. यस सर एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली. 27 को डे में करेंगे. ठीक है तो मैं लक्ष्मी साधना के कुछ मटेरियल लाना है. लक्ष्मी साधना करेंगे 27. नॉर्मली ऐसे करो लक्ष्मी साधना के लिए आपके पास जो कुछ भी है ना, नॉर्मली लक्ष्मी जी को पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए वो चीज कर लीजिएगा. नहीं तो आई विल सेंड द लिस्ट टुडे. मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में अपलोड लोगों को क्या क्या चाहिए. क्लियर है? सर वुड इट बी पॉसिबल टू हैव द क्लास अर्ली टुमारो अराउंड 7 or 8? आई नीड टू चेक माय शेड्यूल कि अगर सेशन कोई मुझसे लेने आ रहे हैं तो मुझे या करता आने में भी टाइम लगती है. सेशन लेने के लिए नहीं आएंगे तो आई विल अपडेट यू बिकॉज़ आई हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट बाय 9:30. नहीं द थिंग इज आप यू कैन टेक अ मोबाइल. आपके मोबाइल से कनेक्टेड हो सकते हो. नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है बाद में. अच्छा ठीक है. ठीक है ना? यस एवरीवन. ठीक है फिर. सो वी विल मीट टुमारो एग्जैक्टली 9:00 टुमारो. ओके सारे सामान आपको रेडी करके लेके आना है. यस तो जितने भी सामान मैंने वहां पे बोल दिया है राइट, उस सामान को आपको लेके आना है. आर यू क्लियर? इंट्रोडक्शन क्लास है. मैंने आज साधना सिखाने के लिए थोड़ी है. इंट्रोडक्शन क्लास इज टुडे. सर कल ही आप यंत्र बनवा देंगे? कल ही करना है ना क्योंकि अभी देखो आज कल धनतेरस है. कल से इम्पोर्टेंट 3 days स्टार्टिंग हो रही है. क्लियर है? आज तक अभी तक कोई अमृत कल स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी. ओके
हमें साधना करनी है, अमृत काल में करनी है, अभी तक वो अमृत काल स्टार्ट नहीं हुआ है। सर टुमारो व्हाट टाइम? नाइट 9 o'clock एग्जैक्टली। ओके ओके सर। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी पॉसिबल मेट इट 8 o'clock प्लीज। हाँ 9 o'clock इज इजी, वी कम होम ऑफिस बाय 9 o'clock। सचिन भाई यस कल 9 बजे ना? 9 बजे ओके। जे सामान का लिस्ट है ना आपके पास? यस सर वी हैव। ओके और नवंबर में ओके साथ में ट्रैवल करने के लिए रेडी होना सचिन भाई। यस यस श्योर श्योर। ओके सो दिस टाइम सो एवरी आई मीन ऑल द चिल्ड्रन वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सचिन जी एंड मी और माय सेल्फ। So we are from next week, okay? I mean from this November 15 or November 20, we are going to start one small course, okay? And I want you to, Sachinji, please just tell about that course, okay? About fast reading. Sachinji, aap kahan se ho? All the people, please mute yourself. I am giving off 2-3 minutes, okay? For Sachinji. Yes, Sachinji. मैं मुंबई से हूँ और दीपक भाई मिड रेंज के बारे में बताऊँ या क्वांटम स्पीड रीडिंग के बारे में बताऊँ? स्पीड रीडिंग के बारे में। बेसिक लेवल जो फर्स्ट लेवल होता है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है जिसमें हम बच्चों का ब्रेन मेमोरी एनहांस करते हैं जो भी साइंटिफिक वे से होता है, ब्रेन एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड अगेन म्यूजिक थेरेपी। उससे वो पार्ट उनका एक्टिवेट होता है जिससे हमारे 5 senses होते हैं और वो 5 senses एक्टिवेट होने के बाद वो लोग आँखों को बंद करके क्लोज करके मतलब ब्लाइंडली वो लोग कलर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं और बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल में होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में वो लोग इंट्यूशन पावर उनका बढ़ता है, वो लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चलता है, सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हैं और चीजों को बिना टच किए वो लोग मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। एंड अगेन थर्ड लेवल में वो क्वांटम स्पीड रीडिंग में वो लोग बुक को सिर्फ स्क्रॉल करके बुक के अंदर का कंटेंट पूरा पता कर सकते हैं। ये सब चीजें का जो भी है पैकेज वो अलग अलग है और हम लोग सिर्फ अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा उसमें Yes. When Hello? Is this workshop? It will announce by Deepak ji. Okay. Nahi. So and there is a 21 days class about fast reading. Yes. Fast reading. Can you please speak about that? Yes. Fast reading ki jo WhatsApp class ho rahi hai. Yeah. 21 days fast reading on WhatsApp. And you will get 10x speed. अगर आपका normal speed आपका WPM मतलब word per minutes अगर आपका around normally 100, 200 या 300 रहेगा तो automatically it's आपका 500, 600 तक बढ़ जाएगा around 21 days में। So that you आप अगर book reader के मतलब शौक है या शौक नहीं भी है आपके पास टाइम कम है बट आपको इच्छा होती है बहुत सारे बुक्स पढ़ने की, नॉवेल्स पढ़ने की या तो आपके पास जो भी मंत्र का रिलेटेड आप कुछ क्वेरीज रहता है वो आप सर्च करते हो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता है गूगल्स पे या किसी में वो आपको रीड करना होता है बट आपके पास टाइम नहीं होता है तो हम लोग चाहते है कि लोगों का टाइम सेव हो और टाइम सेव होने के लिए हम लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिससे उनका विदिन 2-4 days में ही उनका डबल हो जाएगा जो भी अगर स्पीड 200 करेगा तो 400 हो जाएगा और हम लोग ट्राई करेंगे विदिन 21 डेज अगर हमारे प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से वो लोग चलेंगे तो अराउंड 10x उनका एनहांस हो जाएगा जो भी स्पीडिंग रीड है और बहुत जन ने उसका फायदा उठाया है। लाइव वर्कशॉप यहाँ पे हुए मुंबई में हुए और एक दिन में ही उनका लोगों का मेरी एक स्टूडेंट है उसका फर्स्ट डे में 293 वर्ड पर मिनट था अभी अगर आपको मैं मैसेज शेयर करूंगा उसका 6900 है और जल्दी वो 10,000 पे पहुंचने वाली है और उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आने वाला है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम वेरी सून। यस इज देयर कविता जी? ओके आई रिक्वेस्ट यू टू बिकॉज़
we are going to launch another program, everyone. Last time, I hope many of you have joined our hypnotherapy group, yeah? Hypnotherapy class, yes? We are going to start that hypnotherapy class again, yes? So, if Kavita is there, I request you to please at least give 2 minutes for your this about talk about this hypnotherapy. If you are here. I want to join it too. Yeah. Come now. Go ahead. Is Kavita ji here? Right. Okay, yeah. So that will be the second class, yeah? So this time we are going to launch, yeah? So we are also looking for some of the healer, very genuine healer, okay? Agar aapke paas koi skill hai, koi capacity hai, we are going to make, I mean, this as a city academy, okay? हम यहाँ पे बहुत सारे एज ए ट्रेनर को हम एज ए हायर करना चाह रहे हैं ऑन दिस एकेडमी जहाँ पे सचिन जी है, मैं हूँ, कविता जी है और भी हीलर हैं। अगर आपके पास उस प्रकार के कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो या फिर आप कुछ चीज लोगों को सिखा सकते हो, यस, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज मोर एंड मोर पीपल फॉर आई मीन हीलिंग, ओके, एंड वी विल ट्रेन यू कि आपको लोगों के पास हाउ कैन यू रीच to those people, and we want a very genuine people. Hame as a, we work more with the values more than a money. Yeah, basically money is a very important thing, but is we want more about the values. Ki hame logo ki life ko badalna hai, hame logo ki life ko jyada se jyada values deni hai, and that is our main motto. Yes, and then you can be any type of healer, any type of modalities, okay, but we want a very genuine one. That's all. Hame is a modality se wo cheez nahi hai, different nahi hai. I'm really happy that yes, after this Lama Fera course, there will be many Lama Fera healer will be there, and I just want many people to become a Lama Fera healer. Aap logo ko ek healer banke logo ko help karte hue dekhna na. So that is, you know, so that will give me that goosebumps. At least यहाँ पे 200 लोग, 300 लोग, 500 न्यू लामा फेरा हीलर विल बी कमिंग इन दिस, आई मीन ओल्ड, सो दैट एटलीस्ट दे कैन हेल्प अदर पीपल, दे कैन रिमूव दैट नेगेटिविटी, दे कैन रिमूव दोस, आई मीन नेगेटिव एनर्जी अवे फ्रॉम देम, एंड दैट इज व्हाट यू नो समथिंग गिव मी किक, यू नो, एटलीस्ट मेरा कुछ सपना तो है कि एटलीस्ट आप लोगों को हील कर रहे हो, आप लोगों को सहयोग कर रहे हो, आप I mean, you are giving something back to this universe. And so that is a best beautiful thing, you know. Wonderful, yes. So those who are a healer, I request you to please, I mean, contact with Kavita ji, okay? So she's the admin of the group, yes. I request you to at least aapke agar profile wagara hai, kuch cheez nahi to, I mean, just send her something so that we will contact you very soon. And another thing is that, okay, what we want to, I mean, teach is that at least logo ko knowledge ki jarurat hai pehle se, to logo ko healing ki jarurat hai. And many people need us. Hame aage aana hai ab. Aur jyada logo ko healing field mein leke aana hai, so that at least aur dusro ko healing kare na kare, khud ko to healing kar sake na. Yeah. Yes? Clear everyone? Yes. अगर आपको कुछ भी हीलिंग मॉडलिटी नहीं आते, उसके लिए भी आपको एज अ परेशान होने की बात नहीं है. यू आर गोइंग टू हैव अ लामा फेरा हीलर वेरी सून. उसके बाद आई मीन यू विल बी गोइंग टू बी अ शैमेनिक हीलर, यस, एंड यू विल बी लर्न, आई मीन, मेनी हीलिंग, आई मीन, मॉडलिटीज फ्रॉम अस. हम आप लोगों को सिखाएंगे, हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे. वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक यू एज ए स्टूडेंट, ओके. अब मुझे स्टूडेंट बनाने का शौक नहीं है. आई वॉन्ट to make a teacher. मैं यहाँ पे teacher बनाना चाहता हूँ. And I'm not interested to make followers. मुझे followers बनाने की शक नहीं है. I want to make a teacher. सर मुझे अगर आप teacher बनके सामने आ जाओगे, I'll really feel happy कि क्योंकि at least कुछ ना कुछ तो मैंने, I mean, आप जाने से पहले मैंने universe को कुछ ना कुछ तो दे दिया. Clear है? Yes. बस मैं यही कामना करता हूँ, ओके, कल तक आप लोगों की सारी सामान आप लोगों के साथ, आई मीन, मिल जाए, यस. और सो जाने से पहले, सो लेट अस फॉर अ 5 मिनट, यस, क्लोज योर आईज एंड
we call Devika's Ki Kalika, okay, for 5 minutes. Hello, sir. हाँ जी लामा फेरा का एडवांस का रिकॉर्डिंग भेजिए ना लास्ट वाला. मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है यूट्यूब में या फिर उसको बोल दीजिएगा मैम को बोल दीजिएगा. ओके थैंक यू सर. नाउ क्लोज योर आईज. टेक अ डीप ब्रेथ. नाउ यस द चांट देवी कास्की काली फॉर 5 मिनट. Kaski kali 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 kaski make it more faster, more speed. Imagine that every cell of you is chanting this mantra, every part of your body, each and every cell, aapke rom rom parti rom parti rom har ek cell yahi mantra ko chanting kar raha hai, and you are getting that vibration, you are feeling that lightness, you are getting that energy. Yes, everything which is inside you is releasing now. Yes, हर एक चीज आपके अंदर शो निकल के बाहर आ रही है.
Kaske 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 ka
kaske 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 k
काले कसके 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 काले वन मोर मिनट मोर फास्टर ईच एंड एवरी सेल आपके रोम रोम एवरी सेल ऑफ योर फिजिकल बॉडी इज मीन यूजिंग दिस मंत्र कसके काले 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 काओ कसके काले 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 इमेजिन दैट सी इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू इन द वेरी थाउजेंड्स ऑफ लाइट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने हजारों सूरज की तरह देवी कसके काली खड़ी है यस डू द मेंटल पूजा ऑफ देवी कसके काली का उनको बोलना कि हे माँ आई रिक्वेस्ट यू टू ब्लेस मी आई रिक्वेस्ट यू टू गाइड मी नाउ आई वांटेड टू रब बोथ ऑफ हर हैंड दोनों हाथ को रगड़े स्टिल क्लोज योर आईज यस पुट दैट इनटू योर नेक थ्रोट Again, rub both of her hands. Create a fire in your hand. Put that into your eyes and forehead. Looking at your palm, slowly open your eyes. So I hope you have a very, very wonderful night. I request And I pray to Devi Kasike Kalika for all of you. I'm yawning. I've got tears and I'm laughing. Okay. मैं Devi Kasike Kalika से आप सारे लोगों के लिए, आप सारे लोगों की फैमिली के लिए, Devi Kasike Kalika से प्रार्थना करता हूँ. See you tomorrow again. Namaste. Good night.